खबर अल्मोड़ा से है, जहां महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जनपद अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचते ही उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों से उत्तराखंड का चूमुखी विकास हो रहा है। एक समय था जब पुलिस में पहले 30 से 40 ही लोग भर्ती होते थे, लेकिन वर्तमान में हजारों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। हजारों की संख्या में संभवतः लाख तक लोग भर्ती हो गए होंगे अलग अलग भर्ती में। इसका अर्थ है कि पिछले 20 सालों में यहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिला है, जो पहले यूपी के समय में संभव नहीं था। इसी प्रकार से सड़कों का कितना जाल बिछ गया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और अब जो नेशनल हाईवे, अब देखा आपका पूरा अगर कहीं पर काम रुका है तो हमारे यहाँ की गलती से रुका है, नहीं तो इतनी नेशनल हाईवे, भारतमाला, ये सब यहाँ स्वीकृत हुई है। अभी अभी मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 हजार करोड़ के तो ही कुमारियों के लिए गडकरी जी ने 4 दिन पहले शिलान्यास किया, उसका शुरुआत की है। तो एक प्रकार से सड़कों का जाल, शिक्षा के मामले में कितनी तो यूनिवर्सिटीज खुल गई है। आज अगर उत्तराखंड के अंदर प्राइवेट और सरकारी मिला करके 3 दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालय बन गए हैं। अब कभी कल्पना की थी कि आपने अल्मोड़ा जैसे और पिथौरागढ़ जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज होगा, अब इन छोटे छोटे शहरों तक मेडिकल कॉलेज खोलना ये कितनी बड़ी बात है। पहले तो अस्पताल ही नहीं होते थे, उसके लिए रोते थे हमें ले जाकर के, मिलता ही नहीं था। तो एक प्रकार से हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। और अब जो सबसे विशेष बात यह है कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ तक की जो मोटा अनाज है उसके बसरी अन्न जिसको प्रधानमंत्री नाम दिया है उसके क्षेत्र में कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छे राज्य के रूप में उत्तराखंड डेवलप हो रहा है। और इसीलिए आपको देखा होगा कि पीएम बार बार आते हैं और आदि कैलाश तक जाते हैं। तो ये एक उत्तराखंड का सौभाग्य है कि एक अच्छा राज्य बनने के बाद यहाँ प्रगति हुई है।